तो अभी जस्ट जो है कस्टमर चार्जिंग जैक लगवा के आ रहे हैं मोबाइल में, लेकिन मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा और 100 रुपए चार्ज भी ले लिए। तो दोस्तों चार्जिंग जैक तो हर कोई लगाता है, लेकिन जैक लगाने के बाद भी चार्ज नहीं हो रहा मोबाइल, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों चलिए हम इसको चेक करते हैं। जो कस्टमर है ये अभी यही बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं बैठ के, कह रहे हैंड टू हैंड करा के ले जाऊंगा मोबाइल। तो दोस्तों ये एनालॉग मल्टीमीटर है, ठीक है, इसको X1 या X10 पे सेट कर लेंगे जो कि पहले से सेट है। अब इसका जो चार्जिंग जैक के जो पॉइंट है इस पे हम चेक करेंगे सप्लाई आ रही है कि नहीं, जो है हम चार्जिंग जैक के पॉइंट पे चेक करेंगे। ये तो ग्राउंड है, ये डाटा के हैं, डाटा के पॉइंट भी ओके है, ये मेन पॉजिटिव है अभी बस। अब सुई को उल्टा पलटी करके वही पॉइंट सेम चेक करेंगे, ये ग्राउंड है, ये भी ठीक है। ये देखिए दोस्तों जो बी बस का जो पॉइंट है, देखिए ये शॉर्ट हो रखा है कहीं, ये देखिए पूरा ग्राउंड दिखा रहा है। तो दोस्तों इसका जो सर्किट है ये पीछे की तरफ दिया हुआ है कीपैड के पास। दोस्तों या तो ये कैपेसिटर जो है शॉर्ट है, या फिर ये जो ट्रांजिस्टर है, ये जो आईसी दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, या तो ये शॉर्ट है। तो दोस्तों हम एक एक करके रिमूव करके देखेंगे किससे शॉर्टिंग हट रही है। ये देखिए दोस्तों कैपेसिटर निकाल दिया हमने, अब चेक करते हैं शॉर्टिंग हटी कि नहीं। दोस्तों अभी भी मोबाइल में शॉर्टिंग है, तो इसका मतलब ये जो ट्रांजिस्टर है ये खराब है। अब हम इसको रिमूव करेंगे। ये देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर हमने हटा दिया, और ध्यान से देखिए ये ट्रांजिस्टर जो है ये जला भी हुआ है, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों ये मेरे पास आईटेल का बोर्ड पड़ा हुआ है, इसमें से ये जो ट्रांजिस्टर है इसको हम निकाल के लगा देंगे। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं शॉर्टिंग हटी कि नहीं। ये देखिए दोस्तों अब शॉर्टिंग जो है हट गई, ये देखिए अब शॉर्टिंग नहीं शो कर रहा। अब ये देखिए अब शॉर्टिंग चार्जिंग जैक पे नहीं दिखा रहा, ये देखिए। चलिए दोस्तों अब इसको चेक करते हैं चार्ज पे लगा के। ये देखिए दोस्तों अब मोबाइल चार्ज होने लगा। तो दोस्तों इसमें जो ट्रांजिस्टर था ये शॉर्ट हो गया था, ये जल गया था, ये देखिए इसी वजह से मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए मैं कस्टमर से कितना चार्ज करूँ।